हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन अड्डा फॉर आईक्यू। हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 9 मीटर, 8 मीटर, 6.5 मीटर। मतलब एक रूम का डायमेंशन दिया। डायमेंशन मतलब डायमेंशन मीन्स हुआ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उस रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। इट हैज वन डोर ऑफ, उस रूम में एक दरवाजा है, एक डोर है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर और 1.5 मीटर। वो दरवाजा है इस ढंग से होगा, वो जो डोर है 2 मीटर उसका लेंथ है और 1.5 मीटर ब्रेथ है, ठीक है। एंड टू विंडोज, उस रूम में दो खिड़की है, ठीक है। दोनों खिड़की का डायमेंशन दिया हुआ है, दोनों खिड़की का डायमेंशन सेम है 1.5 मीटर और 1 मीटर। ये भी 1.5 मीटर और 1 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, उस रूम को व्हाइट वॉशिंग करना। व्हाइट वॉशिंग करने का सेंस मतलब जो वॉल है उसी को सिर्फ व्हाइट वॉशिंग करना है, ठीक है। और खिड़की दरवाजा इसे तो छोड़ देंगे, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग तो खिड़की या फिर दरवाजा में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए व्हाइट वॉशिंग सिर्फ दीवार में होगा। फाइंड द कॉस्ट व्हाइट वॉशिंग द वॉल एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कि एक स्क्वायर मीटर जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उसका कॉस्ट आता है ₹25। उस पूरे रूम को व्हाइट वॉशिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा, मतलब कितना रुपया खर्च होगा। एरिया ऑफ फोर वॉल क्या हो जाएगा, 2 × L + B × H, ठीक है। 2 × L + B × H यही फॉर्मूला होता है CSA of a cuboid, है ना। दोनों फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो 2 × length दिया हुआ है 9, ए हो गया लेंथ, ए ब्रेथ और ए हाइट, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है 9 और ब्रेथ 8 और हाइट दिया हुआ है 6.5, ठीक है। अब देखिए निकालते 2 × 17 × 6.5 कैंसिल 10 × 5 = 13। आपस में जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 221 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ फोर वॉल, मतलब कि जो वॉल है, दीवार है, उसका एरिया आ गया। उस एरिया में डोर भी ऐड है और विंडो भी ऐड है, ठीक है। उस एरिया मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल निकालने, तो फोर वॉल में आपका डोर भी उसी में ऐड है और विंडो भी उसी में ऐड है। तो वो दोनों को हटा देंगे, मतलब वो दोनों को तो व्हाइट वॉशिंग करना नहीं है, तो वो दोनों को एरिया निकाल के इसमें माइनस कर देंगे तो सिर्फ आ जाएगा एरिया ऑफ फोर वॉल। जिस एरिया को व्हाइट वॉशिंग करना है सिर्फ उसका एरिया आ जाएगा। तो देखिए निकालते हैं एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, L × B। तो L × B दिया हुआ है तो आ गया 3 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रूम। और एरिया ऑफ विंडो तो विंडो का भी डायमेंशन दिया हुआ है 1.5 × 1 आ गया कितना 1.5 मीटर स्क्वायर। और इसमें दो विंडो है, ठीक है, दो विंडो है तो मल्टीप्लाई 2 तो आ गया 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम निकालेंगे एरिया टू बी व्हाइट वॉश क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर माइनस एरिया ऑफ विंडो, ठीक। एरिया ऑफ फोर वॉल आ गया 221 माइनस डोर का आ गया 3 - 3, देखिए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 215 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया टू बी व्हाइट वॉश, मतलब इतना सही एरिया में हमको व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। पहले एरिया निकालिए और उसके बाद दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर में ₹25 खर्च होता है, ठीक है। तो 215 मीटर स्क्वायर में तो 25 × 215, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ₹5375, जब इधर आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा ₹5375।
ठीक है, इतना रुपया खर्च होगा व्हाइट वॉशिंग करने में, 5375 रुपीज खर्च आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अ वॉल इज 50 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। एक दीवार है जो 15 मीटर लॉन्ग है, मतलब कि 15 मीटर लंबा है, और 30 मीटर वाइड है, मतलब 30 मीटर उसका ब्रेथ है, और 4 मीटर हाई है, और 4 मीटर ऊंचा है, मतलब सीलिंग टू ग्राउंड 4 मीटर है। ठीक है, इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वो दीवार बना हुआ है ब्रिक्स का, मतलब ईट का बना हुआ है। ठीक है, एक सिंगल साइड का डायमेंशन दिया हुआ 22 सेंटीमीटर उस ईट का लेंथ है, और 12.5 सेंटीमीटर उस ईट का ब्रेथ है, और 7.5 सेंटीमीटर उस ईट का हाइट है। ठीक है, देखिए ईट है, ईट का 22 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, ठीक है, और 12.5 सेंटीमीटर हो गया ब्रेथ, और 7.5 सेंटीमीटर हो गया हाइट, तो इस ईट का हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, इसका हाइट हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ईट का सिंगल साइड का, ठीक है, उस दीवार में कितना सारा ईट होगा। ठीक, If 1/12 of the total volume of the wall consist of mortar, अब बात रही मोर्टार क्या है। मोर्टार इज अ केमिकल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्या मोर्टार एक ऐसा केमिकल है जब बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसमें काम आता है। ठीक है, तो 1/2 उस वाल का वॉल्यूम का 1/2 पार्ट मोर्टार का बना हुआ है। तो बताइए हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन वॉल, तो बताइए उस दीवार में कितना, उस दीवार में कितने सारे ब्रिक्स होंगे। ठीक है, देखिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। एल क्या दिया हुआ है 15 मीटर, और बी है 30 सेंटीमीटर, और एच है 4 मीटर हाई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का यूनिट तो सेम है लेकिन इसका अलग है, तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए नीचे 100, अब देखिए कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा, आ गया 18 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बाल आ गया 18 मीटर क्यूब। अब देखिए इट इज गिवन द कंसिस्ट ऑफ 1/2 पार्ट्स ऑफ मोटर, मोटर देखिए मिस्टेक हो गया, 1/2 पार्ट्स नहीं था, यहाँ 1/12 पार्ट्स था, 1/12 पार्ट्स था। ठीक है, इसलिए यहां भी चेंज कर देंगे, यहां भी कर देंगे 1/12 इंटू 18। ठीक है, क्या आ गया 18/12, तो आ जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। ठीक है, जो मोर्टार यूज है वो 1.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम दीवार का घेरे हुए है। ठीक है, उसमें मोर्टार का वॉल्यूम 1.5 मीटर है, मतलब टोटल वॉल्यूम दीवार का 18 मीटर क्यूब है, उसमें 1.5 मीटर क्यूब मोटार यूज्ड है। ठीक है, तो उसको हटा देंगे, जो उसको हटा देंगे मोटार को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा 18 - 1.5 मीटर क्यूब, तो आ जाएगा 16.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए अब निकाल देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड, उस बाल में मोटार को छोड़कर कितना ईट यूज हुआ है, मतलब कितना ब्रिक्स यूज हुआ है वो निकाल देंगे। देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल ये नहीं, यहां पे जो भी निकाले हैं, वाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल आया था 16.5 है ना, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक है 22 into 12.5 into 7.5 है ना, देखिए मीटर में है लेकिन ये सेंटीमीटर में, टोटल को मीटर में कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो 100 इसके बाद दी 100 इसके बाद दी और 100 इसके बाद दी। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये मीटर में हो गया चेंज, अब देखिए निकाल देते, कैलकुलेशन कर देते, 100 into 16.5 into 100
इंटू 100 बाई 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5, ठीक है। देखिए कैंसिल हुआ 10, ये कैंसिल हुआ 10, ठीक। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 25 फोर जा 25 थ्री जा, ठीक है, 25 फोर जा 25 फाइव जा, 5 11 11 टू 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 फोर, ठीक है। तो आ गया जो नंबर ऑफ ब्रिक्स वो आ गया 8, यही है आंसर, ठीक है। जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, जो मीटर सेंटीमीटर में चेंज है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके बुक के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कहीं पे मीटर और सेंटीमीटर में, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा और ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, जो मेरा क्वेश्चन है उसके आधार आंसर सही है। आप अपने बुक को भी ओपन कीजिए और देखिए उसके अनुसार जो बनाइए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस के आधार पर बनाइएगा, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।